19 साल पर बुंदेलखंड में पन्ना जिले के पबई में प्रसिद्ध हनुमान भाटे और मां कलेही देवी मंदिर में एक दिवसीय मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी साई कृष्ण एस थोटा पबई पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हनुमान भाटे और मां कलेही देवी मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहेगा और इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की है। साथ ही नए साल हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कल विभिन्न मंदिरों पे और स्थलों पे जहाँ पे पर्यटक जाते हैं, पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं ताकि एक तारीख का जो दिन है वो शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से बीते बिना किसी एक्सीडेंट के। और उसी के तारतम्य में जो यहाँ पर हनुमान के पास जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर भी थाना पवई द्वारा SDOP पवई द्वारा प्लान करके व्यवस्था लगाई गई है, उसी की समीक्षा करने आए थे। और आप सबको जो है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो ज़िले की जनता है उन सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये भी निवेदन है कि आज का दिन, कल का दिन जो है वो आप लोग अच्छे से मनाएं, सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका पालन करें। पुलिस भी जो है लगातार चेकिंग कर रही है, कल आज ये 3-4 दिन तो काफ़ी सख्ती से चेकिंग होगी। और आपको बता दें कि कल ही जो है जो मदिरा सेवन करके चलाने पर गाड़ियां जब्त की जाती हैं, लगभग पूरे पन्ना ज़िले में 25 गाड़ियां जब्त की गई हैं और लगभग अगर इनका मान ले तो जो कोर्ट शुल्क वसूल करेगी कम से कम 2.5 लाख का शुल्क इससे वसूल होगा। इसीलिए निवेदन है कि इस तरह के उसमें लोग ना फंसें और शांतिपूर्वक और सारे कानून का पालन करते हुए नववर्ष को मनाएँ।